नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के अंतर्गत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं स्पेशली चूरू जिले के लिए यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि चूरू जिले के किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आई है, और उसका प्रूफ भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, खरीफ जो फसल है, खरीफ फसल 2020 के लिए यहाँ पर क्लेम है जो किसानों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। तो लगभग दोस्तों वो स्वीकृति है जो यहाँ पर कितनी मिली है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। 600 करोड़ का यहाँ पर क्लेम है जो जारी कर दिया गया है, और पूरे यहाँ पर चूरू जिले के ब्लॉक वाइज आपको यहाँ पर सारी जानकारी है जो इस वीडियो में बताई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ कि ये है जो जारी किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर चलिए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल जो ये जानकारी जारी की गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये राहुल कसवा है जो यहाँ पर इन्होंने ये ट्वीट किया है। ट्वीट करके इन्होंने यहाँ पर बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत चूरू लोकसभा क्षेत्र में खरीफ 2020 का लगभग 600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी हुआ है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का सीधा लाभ लगातार हमारे क्षेत्र के किसानों को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर प्रूफ भी इसका दिखा दिया गया है, और ये यहाँ पर आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि किन किन किसानों को यहाँ पर इसका लाभ है जो मिलने वाला है। तो दोस्तों, चूरू के किसानों को यहाँ पर 30.72 करोड़ रुपए यहाँ पर इनके लिए स्वीकृत हुए हैं। अगर बात करें सरदार शहर के, तो यहाँ पर सरदार शहर के लिए दोस्तों 88.67 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृत हुए हैं। अगर बात करें सुजानगढ़ की, तो सुजानगढ़ के लिए यहाँ पर 26.82 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। तारानगर के भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 11.11 करोड़ यहाँ पर ये स्वीकृति मिली है। अगर बात करें शाहदुलपुर की, तो यहाँ पर 41.78 करोड़ रुपए की यहाँ पर स्वीकृति मिली है। अगर बात करें रतनगढ़ की, तो रतनगढ़ में दोस्तों 25.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा देखिए, नोहर नोहर के 34,783 किसानों को, और बात करें यहाँ पर देखिए 58,400 करोड़ रुपए यहाँ पर मिले हैं। भादरा के 81,310 किसानों को 236.40 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम मिला है। तो ये जानकारी यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर राहुल कसवा जो एमपी है, इनके द्वारा यहाँ पर ये बताई गई थी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है तो आपको यहाँ पर ये मिली है। तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई जानकारियां सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना, अपने सभी साथियों को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।